गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 28 जून 2022, 9:13:27 हो रहे हैं। हम क्विकली अपने बैंक निफ्टी के मॉर्निंग बॉट को ऑन कर देते हैं, जो कि 5 PMA के स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है। सुबह 9:15 से लेकर 9:10 बजे तक अपना ट्रेड्स चलाता है। गेट स्टार्टेड नाउ में क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके अलाइज ब्लू ब्रोकर के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही अलाइज ब्लू ब्रोकर से कनेक्ट हो जाता है, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, प्रीवियस डे के ऑर्डर्स को डिलीट कर देंगे। ऑर्डर्स देखिए प्रीवियस डे में डिलीट, क्योंकि ब्रोकर अकाउंट में ऑटोमेटिकली प्रीवियस डे के इंट्राडे ऑर्डर्स डिलीट हो जाता है, पर सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, तो सॉफ्टवेयर में हमें डिलीट करना मैंडेटरी है। तो तीसरा चीज क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, स्टार्ट बटन दबा देंगे। इतना करते ही हम 9:15 का वेट करेंगे और 9:15 के बाद बॉट अपना जलवा दिखाना शुरू करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली मार्केट सिचुएशन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए फायर्स का टर्मिनल खुल चुका है और यहाँ पे अगर हम चेक करें, मार्केट आज ऑलमोस्ट 230 233 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, 230 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल रहा है दोस्तों। एंड मार्केट शुरुआत हो जाने वाला है थोड़ी देर में। देखिए 9:14:43:44 हो रहे हैं, कुछ ही टाइम में मार्केट शुरू हो जाएगा। ओके, तो हम काउंटडाउन शुरू करेंगे तभी। अब देखिए 5 4 3 2 1 0, यस मार्केट शुरू हो गया है दोस्तों। नीचे थोड़ा देखिए पहला कैंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट लगा के रखा हूँ, उसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है ये हैपन होना शुरू हो गया है। ये देखिए पहला कैंडल 9:15 का बनना शुरू हो गया है दोस्तों। हम लोग वेट करते हैं कोई ऑर्डर पंचिंग का सिचुएशन आने के लिए। दोस्तों आप लोगों को डेटा की लाइव स्ट्रीमिंग भी दिखा देता हूं। यहां पे चेक करिए कि बैंक निफ्टी का लाइव डेटा मार्केट से फेच हो रहा है। यहां पे देखिए लाइव डेटा 33,629, 33,619, 620, 626, 624, 622, 624, 631, 631, 633 लाइव डेटा फेच हो रहा है मार्केट से। जी हाँ, ये अभी दूसरा कैंडल शुरू हो गया है। अगर ये दूसरा कैंडल ये पहला कैंडल के हाई को तोड़ता है तो वहां पे एक कॉल में एंट्री बनेगा, पर अभी तक वहां तक नहीं गया है, वेट करते दोस्तों। देखते ही देखते 9:16 का कैंडल कंप्लीट होके 9:17 का कैंडल फॉर्मेशन हुआ और हमारा पहला ऑर्डर मार्केट में जा चुका है और वो कॉल ऑप्शन का ऑर्डर है 287-286 के भाव में, 33,700 के कॉल में हमारा एंट्री हुआ था। और देखते ही देखते उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है। पहले ट्रेड में लगभग हमें जो है 12+12 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे मैं स्प्लिट स्क्रीन सिस्टम कर देता हूँ दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे एंट्री तो बना था इस हाई के ब्रेक पर वहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस के अगल बगल आ गया, इसीलिए स्टॉप लॉस हिट हो गया और 24 पॉइंट के प्रीमियम नेगेटिव में हम अभी चल रहे हैं। वेट करते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे कॉल ऑप्शन में दूसरा ट्रेड बनने के बराबर मार्केट आ चुका है। ये कैंडल यानी कि 9:21 का कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है वहां पे हमें एक एंट्री मिल जाएगा कॉल ऑप्शन में। वापस से 24 पॉइंट के स्पॉट में लॉस करके हम अभी तक बैठे हैं। पहला ट्रेड में 24 पॉइंट का कुल मिला के लॉस हुआ और यहाँ पे अभी दूसरा ट्रेड जो बन रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। वेट करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक पॉसिबल एंट्री बन सकता है कॉल ऑप्शन में। जी हाँ, एंट्री हो चुका है, वो 33,600 के कॉल ऑप्शन में एंट्री हुआ है और 310 के आसपास के भाव में एंट्री हुआ है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी आप लोगों को अपडेट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए एंट्री जो हुआ है 33,598 के भाव में हुआ है और स्टॉप लॉस 33,582 है। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 16 पॉइंट का ही है। पहला टारगेट 33,629 का है, दूसरा टारगेट 33,644 का है। तो वेट करते हैं दोस्तों, टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है किसी भी तरफ मूवमेंट देता है आपसे मुलाकात हो। दोस्तों वापस से स्टॉप लॉस हिट होने के बराबर आ चुका है मार्केट। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस ले लिया एक कॉल ऑप्शन का, तो स्टॉप लॉस चला गया, दूसरा भी चला गया। यहाँ पे देखिए पहला ट्रेड में हमने 24 पॉइंट का लॉस झेला था, दूसरा ट्रेड में यहाँ पे देखिए 310 यानी कि यहाँ पे 7 पॉइंट इसमें 10 पॉइंट 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस झेला। देखिए स्टॉप लॉस पूरा लेने के बाद मार्केट ऊपर भाग रहा है, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है दोस्तों। देखिए बहुत अच्छा भाग रहा है पर अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। यहाँ पे लो पर हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे जो लो है 82 पर स्टॉप लॉस था। देखिए हमारा स्टॉप लॉस तुरंत टच करके
82 का ही स्टॉप लॉस है, उसको टच करके वापस चला गया। यहाँ पे हमें एक सीख मिल रहा है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ ऐसे हो रहा है, स्टॉप लॉस टच करके चला जा रहा है। तो अगली बार अब जब हम जुलाई के महीने में ट्रेड शुरुआत करेंगे, वहां पे हम 4-5 पॉइंट का बफर देंगे स्टॉप लॉस के साथ साथ। ये लोग ये चीज याद रखे, फिर से बता रहा हूँ, 4-5 पॉइंट का बफर देंगे। देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट किया वहां पे और पहला टारगेट हिट होने के बराबर आ गया था। वेट करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पुट ऑप्शन में हमें एक शॉर्ट ट्रेड मिलने के बराबर मार्केट आ चुका है, एक शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगा जैसे ही 9:25 के कैंडल का लो ब्रेक होगा, पुट में एंट्री हो जाएगा। जी हाँ देखिए 33,600 के पुट में एंट्री हो चुका है, 284 के एवरेज भाव में एंट्री हो चुका है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी अपडेट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एंट्री बन के आ रहा है 33,602 के भाव में और स्टॉप लॉस 33,629 का है। 27 पॉइंट का ये कैंडल है, पहला टारगेट 33,549, दूसरा टारगेट 33,523 का बन के आ रहा है। वेट करते हैं दोस्तों किस तरफ मार्केट मूव कर। दोस्तों यहाँ पे कॉल ऑप्शन में भी एंट्री बन सकता है, ये कैंडल अगर पिछला कैंडल यानी कि 9:29 का कैंडल का हाई क्रॉस कर लेता है क्लोज होने से पहले, तो यहाँ पे कॉल में भी जी हाँ एंट्री बन चुका है। एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी देखिए 33,600 के कॉल में एंट्री बन चुका है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप देखेंगे अभी ऊपर नीचे मार्केट कर ही रहा है, नचाने की ही कोशिश कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे 33,599 पे एंट्री बना था, स्टॉप लॉस 581 पे है और पहला टारगेट 634, दूसरा टारगेट 652 का है। ठीक है, तो 634 652 जो है स्टॉप लॉस के ऊपर है एंड जो वो पुट ऑप्शन के स्टॉप लॉस के ऊपर है। वेट करते हैं दोस्तों। दोस्तों मार्केट नीचे से ऊपर आ चुका है, पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस और कॉल ऑप्शन का टारगेट बहुत आसपास ही है। पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस जो है 629 का बन के आ रहा है और कॉल ऑप्शन का टारगेट 34 का बन के आ रहा है, बहुत ही आसपास है दोस्तों। पर ये जो स्टॉप लॉस अगर लगता है ना पुट ऑप्शन में, थोड़ा सा बड़ा प्रीमियम हमें गंवाना पड़ेगा। मार्केट नीचे गया, वहाँ पर रिजेक्शन किया और फिर वापस से ऊपर आ गया दोस्तों। नो वरीज, देखते हैं क्या होता है, अभी तक तो हिट नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए पुट ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो पुट ऑप्शन हमने ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 284 के भाव में लिया था, वो 267-268 का स्टॉप लॉस लग गया है। और कॉल ऑप्शन का टारगेट क्यों नहीं आया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक सेकेंड चेक करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। कॉल ऑप्शन का भी हाँ टारगेट आ गया है दोस्तों, 634 का पहला टारगेट, 652 का दूसरा टारगेट था दोस्तों। देखिए 338 पे हमें एग्जिट मिला है, 316-314 के भाव में हमने एंट्री किया था। यहाँ पे देखिए दूसरा टारगेट भी हिट होने के बराबर आ गया था, पर वहाँ से जो है इतने सारे वीक्स बने थे कि वहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन बन रहा है दोस्तों। बट होपफुली हमारा दूसरा टारगेट भी हिट हो जाए कॉल ऑप्शन में। यहाँ पे हमें एक जो है ऑलमोस्ट 34 पॉइंट का लॉस हुआ पुट ऑप्शन में, 34-35 पॉइंट का, पर कॉल ऑप्शन में उसके अगेंस्ट हमें प्रॉफिट तो हुआ है बट उतना तगड़ा नहीं। कि देखिए कॉल ऑप्शन का टारगेट भी हिट हो गया है दोस्तों, पर रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, व्हाई इट इज़ नॉट रिफ्रेशिंग। जी हाँ कॉल ऑप्शन 338 और 340 के भाव में हमें एग्जिट मिल चुका है दोस्तों यहाँ पे कॉल ऑप्शन में। एक सेकेंड रिफ्रेश करते हैं। जी हाँ ऊपर जाने के बाद मार्केट उसी लेवल से रिजेक्शन मार रहा है दोस्तों, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर ये कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो फिर से पुट में एंट्री मिल सकता है। बट ऐसा ना हो मैं चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैंडल है और वहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा दोस्तों। वेट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पुट ऑप्शन में एक एंट्री बन सकता है, उसी के आसपास मार्केट घूम रहा है। जी हाँ बन चुका है, 259 और 259 के भाव में हमें 33,600 के पुट ऑप्शन में वापस से एंट्री मिला है और पुट ऑप्शन में जब भी एंट्री मिला है लॉस ही हो रहा है। एनीवे यहाँ पे 33,652 का एंट्री है, 33,682 यानी कि 30 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। उसके अगेंस्ट हमें पहला टारगेट बन के आ रहा है 33,592 का, दूसरा टारगेट 33,561 का। वेट करते हैं दोस्तों, वेट करते हैं क्या। दोस्तों यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एक एंट्री बन सकता है, बनने के आसपास जा चुका है। जी हाँ 33,600 के कॉल में 324 के भाव में एंट्री बना है, एक क्वांटिटी अभी तक एंट्री हुआ है, दूसरा क्वांटिटी नहीं गया है एंट्री के लिए।
दूसरा क्वांटिटी का एंट्री नहीं हुआ है अभी तक दोस्तों। जी हाँ, दूसरा क्वांटिटी भी मिल गया 324 और 325 के भाव में। यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप लोगों को अपडेट करता हूँ दोस्तों। देखिए पूरा टारगेट पुट ऑप्शन पूरा टारगेट के करीब आपके वापस जा चुका है। 33,614 का एंट्री है और स्टॉप लॉस है 33,600 का। पहला टारगेट 33,643, दूसरा टारगेट 33,657 का है यहाँ पे दोस्तों। वेट करते हैं दोस्तों, क्या किया जा सकता है। ले तो लिया, दोस्तों कॉल ऑप्शन की टारगेट हिट होने के कगार पर पहला टारगेट 643 का है। 638, 639 मार्केट चल रहा है, 636 आ गया है, 633 वहीं पे मंडरा रहा है दोस्तों। दोस्तों कॉल ऑप्शन का टारगेट तो हिट नहीं हुआ पर वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने के कगार पर आ चुका है। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस है 600 के आसपास है, 608, 609। ये कैंडल जो लो मार चुका है, 601 का मार चुका है, थोड़ा स्पाइक देगा, 600 के नीचे आ जाना है और वहां से फिर वापस जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाना है। यही हो रहा है दोस्तों आज के डेट में, बार 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 यही हो रहा है। देख लीजिए आप लोग क्या कंटिन्यू होता है, अपडेट करता हूँ। देखिए दोस्तों कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस चला जाएगा, अभी देखिए चला गया भी है। जो कॉल ऑप्शन 325 के 324 के भाव में लिया था उसको 310-11 पे चला गया है दोस्तों। पर यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस तो गया, वहां से कोई दुख नहीं है। दुख अगर इस बात का होगा, और यहाँ पे पुट ऑप्शन का टारगेट नहीं हिट होगा तो 692 का टारगेट है एग्जैक्टली, कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस हिट होके वापस चला गया है दोस्तों। देखिए ये मार्केट बिहेवियर अभी कर रहा है और यही बिहेवियर के वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है अभी। हो सकता है कॉल में फिर से एंट्री बन जाए, बट आई होप कि पुट ऑप्शन का पहला टारगेट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, फिर कॉल में एंट्री बनेगा तो मजा आएगा। वेट करते हैं दोस्तों और क्या। दोस्तों 694, 693 का लो भी मार चुका है दोस्तों अभी तक, पर वहीं पे मंडरा रहा है, 692 नहीं आ रहा है दोस्तों। काफी पैथेटिक लग रहा है ये पूरी सिचुएशन। 592 592 आ जाए दोस्तों, बट यहाँ पे देखिए 593.2 से वापस चला गया है फिर से। वेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन में वापस एंट्री बनने का सिचुएशन आ गया, पर हमारा पुट ऑप्शन का टारगेट हिट नहीं हुआ। यही दिक्कत हो रहा है दोस्तों, यही दिक्कत हो रहा है। एनीवे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग है, वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। देखिए दोस्तों पुट ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन में एंट्री हुआ था उसमें पहला टारगेट हिट हुआ, बट जो हमें प्रॉफिट मिला है वो नाक के बराबर ही है, 4 ही पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। दूसरा टारगेट 631 पर है, मैं देख लिया था वीडियो पॉज करते टाइम। देखिए 631 का दूसरा टारगेट है, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं ज्यादा। रिफ्रेश करते हैं और इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देते हैं। एडिट 596,605। में करिए चेंजेस, तो कॉस्ट टू कॉस्ट भी चला गया है। जो 314 316 में लिया था उसमें जो 4 पॉइंट मिला था वो 4 पॉइंट वहां पे भी चला गया है। उसके साथ साथ पुट ऑप्शन का पहला टारगेट हिट हुआ। ओ माय गॉड, 259 के भाव में जो एंट्री मिला था, 283 के भाव में एग्जिट मिला है। पुट ऑप्शन का पहला टारगेट हमारा हिट हो गया है एंड दूसरा टारगेट 649 के आसपास है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे ये जो ट्रेड है इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर देता हूँ। 682 का स्टॉप लॉस है, 652.4 पे ले आता हूँ, 52.4। यानी कि इस ट्रेड में और कुछ हमारा जाने वाला नहीं है, बस जाएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं जाने वाला है। 576 तक आ चुका है दोस्तों, 549 का स्टॉप लॉस है वहाँ पे। 549 तक अगर आ जाता है तो मजा आ जाएगा दोस्तों, वहां पे एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। 670 तक आ चुका है दोस्तों, 664 का लो मार चुका है दोस्तों, यहां से 660 आ गया है, 58 आ गया है दोस्तों। यहां पे हम 49 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 55 पे आ गया, 54 पे आ गया, 53, 58, फिर वहीं पे 50 के आसपास से रिजेक्ट हो रहा है। देखिए दूसरा टारगेट 302 के भाव में हमें मिल चुका है दोस्तों।
यहाँ पे एंट्री हमारा था ऑलमोस्ट 259 पे और 302 का एग्जिट मिला है। ऑलमोस्ट हमें वहाँ पे 43 पॉइंट मिला है, इस ट्रेड में हमें मिला 24 पॉइंट और यहाँ पे हमें 43 मिल गया है दोस्तों। और यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी कॉल ऑप्शन का एंट्री होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। कैसे, आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे कॉल ऑप्शन में वापस से एंट्री बन जा सकता है, उसी के आसपास ही मंडरा रहा है मार्केट। जी हाँ, बन गया। देखिए 33,600 के कॉल में 291 के भाव में एंट्री मिला है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी अपडेट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए एंट्री बना है 33,556 पे, स्टॉप लॉस है 33,543, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है 13 पॉइंट का। पहला टारगेट 33,581, दूसरा टारगेट 33,594 का है। ठीक है, तो 63 के आसपास चल रहा है दोस्तों, सिर्फ 50-60 यही के इसी के आसपास बीचों बीच घूम रहा है। स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है तो अपडेट। तो कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस चला जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, चला गया है 283 के भाव में, चला गया है दोस्तों। 291 के भाव में हमने बाय किया था, 283 282 के भाव में चला गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक प्राइस एक्शन बन रहा है, वो बोलते हैं ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, वैसा वाला प्राइस एक्शन बन रहा है दोस्तों। ड्रॉप बेस ड्रॉप बन रहा है, वेट करते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए ड्रॉप सी साइड अभी ओपन नहीं है, क्योंकि सी में, एक सेकेंड, कोई अगर ऑर्डर पेंडिंग है यहां पे। जी हाँ, यहां पे देखिए कॉल साइड में एक ऑर्डर पेंडिंग है, जो कि एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, 10:44 में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, बट मार्केट जो है वहां से रिवर्स आ गया है एंड एंट्री का मौका ही नहीं दिया है दोस्तों। तो उसके बाद टाइम अप हो जाएगा 10:01 में। जी हाँ, 10:01 में टाइम अप हो चुका है दोस्तों। हाँ देखिए, टाइम अप फॉर द स्ट्रैटेजी हो चुका है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपना PNL अभी कैलकुलेट कर लेंगे, वेट करते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे और पहले से ये काम करके रख लिया हूँ। आज के डेट में 5 पॉइंट का लॉस हुआ है। अगर उसको हम बैंक निफ्टी के जो है क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल 131 रुपये का लॉस आज के डेट में बन के आया है दोस्तों। बहुत जल्दी वीडियो अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। आज के डेट में ये लॉस लेके हम जा रहे हैं घर। ओके, तो यही पे वीडियो एंड।